साल का छठ पर्व और साल से मनाए जाने वाले छठ पर्व से अलग इसलिए है, ये समय कोरोना का समय है। कोरोना के समय में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि लोग तालाबों पर ना जाएं, वो उसको कैसे रोका जाए, लोग पूजा कैसे करें ये रोका जाए, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। इसलिए पूजा भी नहीं रोक सकते और तालाब पर जा करके जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन न हो तो बीमारी फैलने का भी, कोरोना जैसी बीमारी महामारी फैलने का डर, ये बहुत बड़ा एक भयंकर समस्या। इसको निजात पाने के लिए सरकार ने और महाराष्ट्र पुलिस ने लोगों को ये अपील की कि आप लोग घरों में ही छठ पर्व मनाएं। लोग सरकार और पुलिस की बात मानते हुए लोगों ने अपने घरों में छठ पर्व मनाने की तैयारी की और अपने घरों में मना भी रहे। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि लोगों ने जागरूकता दिखाई और वो तालाब में न जाते हुए इस साल उन्होंने अपने घर में ही छठ पर्व मनाने की बीड़ा उठाई और ये श्रद्धा का जो विषय है, ये श्रद्धा का जो बात है, लोगों ने इस श्रद्धा से मनाया। मैं एक बार महाराष्ट्र पुलिस और सरकार को ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़े ही संयम से और बड़े आर्थिकता के साथ में लोगों से समन्वय करके इसको पार किया। और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।